भागलपुर पीरपैंती के तिरुपति प्रखंड स्थित खवासपुर गांव में सोमवार को झोपड़ी में अचानक आग लगने से भीषण आगजनी की घटना हुई। आगजनी के बाद देखते ही देखते आसपास की झोपड़ी भी आग की चपेट में आ गई। जब तक लोगों को समझ में कुछ भी आ पाता तब तक आग ने भयावह रूप ले लिया था, जिस कारण स्थानीय लोग आग पर काबू पाने में असफल रहे। गनीमत रही कि घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई। हालांकि झोपड़ी के अंदर रखी एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल एवं अन्य सामान जलकर खाक हो गई। घटना को लेकर ग्रामीण सुनील ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे झोपड़ी के अंदर से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद लोगों को घटना की जानकारी हुई। आग लगता देख आसपास के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर तेज हवा चलने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झोपड़ी के मालिक रविदास ने बताया कि वो लोग वर्षों से सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। घटना के वक्त झोपड़ी में कोई नहीं था, यही कारण है कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इधर पीड़ितों को सरकारी मदद की बात पर अंचलाधिकारी ने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, पर वो लोग सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से झोपड़ी का निर्माण कर रह रहे थे, यही कारण है कि सरकार द्वारा मुआवजा नहीं मिल सकेगा। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां हजारों की संख्या में मरीज अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं और अपना इलाज कराते हैं, वह अस्पताल खुद कई बीमारियों से ग्रसित है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, जहां आए दिन मरीजों को लचर व्यवस्था के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल की स्थिति इतनी चरमराई है कि मरीजों को समुचित इलाज के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई लोग तो आक्रोशित होकर अस्पताल परिसर के भीतर ही बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। लचर व्यवस्था का कुछ दृश्य सोमवार को भी देखने को मिला, जहां दूरदराज से आए मरीज अपने इलाज के लिए घंटों रोते बिलखते तड़पते और दर्द से कराहते दिखे, पर रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह से ही बंद पड़ा रहा। वहीं अस्पताल के अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने लिंक फेल का हवाला देकर काम चोरी को जस्टिफाई कर दिया। बता दें कि चिकित्सकों से जब मरीज मिलने जाते हैं तो उनका कहना होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन पेपर लेकर आइए, तभी आपका इलाज हो पाएगा। इधर जब मरीजों की परेशानियों को देखते हुए मीडिया कर्मियों ने अस्पताल मैनेजर से बात करने की इच्छा जताई तो मैनेजर साहब अपने केबिन से गायब दिखे। अब सवाल यह उठता है कि मरीज आखिर करे तो क्या करे, उनकी जान अब लिंक न होने की मोहताज हो गई है और अस्पताल का शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। जैसे ही लाइन में लगे हुए हैं, बोल रहे हैं लिंक ही नहीं है, बहुत दूर से आए हुए हैं, परबत्ता से आए, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। पेशेंट को क्या परेशानी है? सर में दर्द है, पेशेंट को सर में दर्द है। सुबह से दर्द था तो आज 10 बजे से ही आए हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कब से खड़े हैं कोई व्यवस्था नहीं है, लापरवाही है सबका। कब से बोला लिंक ही नहीं है, लिंक ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? निधि कुमारी। भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल निर्माण के दौरान शनिवार को हुए एक हादसे में एक मजदूर की जान चली गई। मिर्जागांव निवासी रमेश ताती के 31 वर्षीय पुत्र विक्रम ताती काम करने के दौरान घायल हुए थे। इस मामले में मृतक मजदूर विक्रम ताती के छोटे भाई विनीत ताती ने बताया कि अगवानी पुल के पाया नंबर 6 में उनके बड़े भाई काम कर रहे थे, तभी अचानक ब्रेथ मशीन टूटकर विक्रम ताती के सर से जा लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें रेफर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए विक्रम को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया और फिर मायागंज से पटना। इलाज के लिए पटना जाने के क्रम में ही रास्ते में विक्रम ताती की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी थाना को देने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल भेज दिया। इधर घटना के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अगवानी पुल के प्रोजेक्ट मैनेजर संजय कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात किया और तत्काल सहायता राशि देते हुए कंपनी के द्वारा मुआवजा दिलवाने की बात कही। साथ ही श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी अभिनव आलोक ने भी मृतक के परिवार से मुलाकात करते हुए वर्कमैन कंपनसेशन के तहत कोर्ट के द्वारा कंपनी से मुआवजा दिलवाने की बात कही है। इस दौरान प्रभारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। सोमवार को तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई छात्र प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर धरना पर बैठ गए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कर्मियों द्वारा छात्र छात्राओं से मनमाने तरीके से अवैध शुल्क वसूला जा रहा है,
जो भ्रष्टाचार है। इस दौरान छात्र नेता प्रियांशु यादव ने बताया कि आज सभी छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रिंसिपल से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या से अवगत कराकर उनसे समाधान की मांग करेंगे। मौके पर कई छात्र छात्रा मौजूद थे। थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म है वो मामूली है कि 10 रुपया में आप कहीं भी छपा सकते हैं। 10 रुपया का फॉर्म आपको 200 रुपया में फॉर्म दे रहा है। लाइब्रेरी का स्थिति देख लीजिए, 1000 लाइब्रेरी का चार्ज ले रहा है, फिर भी जो है उसमें क्लास करवाए। चलिए भाई, हम लाइब्रेरी का चार्ज देने के लिए तैयार हैं, फिर भी जब लाइब्रेरी का चार्ज ले रहे हैं तो उसमें आप अपना क्लास कहाँ करवा रहे हैं। फूल पत्ती के नाम पर 100 रुपया सभी बच्चा से लिया जाता है, वहाँ पर कोभी बंदा कोभी रोपा जाता है, वो सब प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं। यही सब मामला है। प्रियांशु यादव, PNB कॉलेज अध्यक्ष। जा अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 78 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग समेत अन्य विभागों से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बक्सर, मधुबनी, दरभंगा, कैमूर, सीतामढ़ी समेत राज्य के कई जिलों से आए फरियादियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा सुनाई। वहीं भागलपुर से आई श्रीमती रीता सिंह ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पति सरकारी सेवा में थे, सेवाकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन मृत्यु के उपरांत बकाए वेतन का भुगतान, पारिवारिक पेंशन एवं अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को महिला की समस्याओं का उचित समाधान करने का निर्देश दिया। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जल संसाधन मंत्री सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री समेत अन्य मंत्रालय के मंत्री भी शामिल हुए। साथ ही मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुभानी, पुलिस महानिर्देशक RS भट्टी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ एवं संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सोमवार को लीलादीप नारायण औषधिक प्रशिक्षण संस्थान बरारी भागलपुर में पूर्वाह 11 बजे से अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर एवं भागलपुर के KYP परिवार के संयुक्त तत्वाधान में जिले में चलाए जा रहे कुशल युवा केंद्र में गुणवत्ता को उन्नत एवं संचालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशिक्षकों के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम स्किल नेस्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भरत जी राम, सहायक निर्देशक नियोजन विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार एवं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर TMBU उपस्थित थे। मौके पर नियोजन पदाधिकारी रोहित आनंद, इंजीनियर कुमार विकास रजक, विकास सिंह एवं कुशल युवा कार्यक्रम के संचालकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं सभी अतिथियों का स्वागत भागलपुरी चादर और पौधा देकर किया गया,
जिसके बाद प्रशिक्षक द्वारा अंग्रेजी में स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान प्रोफेसर देवेंद्र कुमार ने संवाद कौशल पर अपना व्याख्यान दिया और कहा कि आज के समय में हर पुरुष एवं महिला को संवाद कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर गौरव कुमार ने सभी पहलुओं पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि पुरुष तभी सही मायने में पुरुष है जब एक महिला उनके संरक्षण में खुद को सुरक्षित महसूस करे। हमें रिस्क टेकर बनना चाहिए। हार्ड स्किल तो सबके पास है, पर हमें सॉफ्ट स्किल पर भी समान रूप से काम करनी चाहिए और निरंतर सीखते रहना चाहिए। वहीं भरत जी राम ने सभी को कुशल युवा कार्यक्रम योजना के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूरा होने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि जल्द ही इसके प्रमाण पत्र निविदा पर होने वाली सभी सरकारी बहाली में मान्य होंगे। कार्यक्रम के दौरान 10 प्रश्नों की एक प्रश्नावली भी सभी प्रशिक्षकों को दी गई, जिसमें प्रथम 3 स्थान पाने वाले 5 शिक्षक प्राची शर्मा, चंदना चौधरी, मेघा आनंद, मुस्कान गुप्ता एवं अजय कुमार को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को मोमेंटो एवं प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कुशल युवा केंद्र संचालक विजय आनंद ने किया। मौके पर जिला कौशल प्रबंधक विवेक कुमार एवं रजी अहमद, जिला कौशल एक्सपर्ट सुशील पांडे, लव कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, निवास सिंह सहित 50 से अधिक प्रशिक्षक मौजूद थे।